Hello everyone, Assalamu Alaikum and welcome to class of Omar Khan. Sources of Islamic law. It is one of the most important topics of uh, Cambridge O levels and IGCSE Islamic, and interestingly, it is part of both the paper. It's part of paper one, and it's also part of paper two as well. So uh, usually, ijma in secondary sources, Unko treat karte hain प्राइमरी के साथ ही क्वेश्चन आएगा हमें लगता है कि शायद इनका क्वेश्चन जो है वो हमेशा आ, कुरान एंड हदीस के साथ ही मतलब या तो चारों एक साथ असेस होंगे या फिर हदीस इन दोनों के साथ असेस होगा या कुरान दोनों के साथ असेस होगा इट्स नॉट नेसेसरी इंडिविजुअल इजमा पे और इंडिविजुअल क्यास पे पास पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं इजमा पे तो दो दफा आ चुका है दूसरी डेट मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है इट ऑल्सो केम इन टू टू यानी कि पांच साल के गैप में दो दफा इजमा पे इंडिविजुअल टेन मार्कर आ चुका है ठीक है

या तो देखो आप explicit and tacit को लिखो ही नहीं नहीं ना और आप direct, calli, amali, और और आप आप कॉली सुकूती बता दो दो लेकिन अगर आपने ये नहीं करना तो आप explicit बताएं और tacit बताएं। explicit की फिर दो है, कहते हैं इट्स बेटर पांचों टर्मिनोलॉजीज यूज करें जरा एग्जामिनर थोड़ा फ्लैट तो हो आप पे कि भाई ये कौन बच्चा है इतनी सारे चीजें इसको कैसे बताएं सो <clears> द <throat> so, न फर्दर कैन फर्दर बी डिड इन टाइप्सि जिसमेंटिव से अग्री करते हैं थ्रू एक्सप्रेशन कौली का वैसे तो मतलब बात करना होता है लेकिन वो कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है लेट्स एक आ, क्या कहेंगे जूम मीटिंग में हैंड रेस करने वाला जो ऑप्शन होता है या चैट पे लिख देना बिग रिलेट डन किंग अग्रीड ठीक है काश आप हमारे वाल साहब होते हैं समथिंग लाइक दैट तो ये सब क्या है ये अग्रीमेंट कंसिडर होता है तो ये है कौली उसके बाद अमली क्या होता है अमली ये है कि आप उस बात से अग्री करें थ्रू योर एक्शन और सुकूती क्या होता है सुकूती होता है साइलेंट अप्रूवल अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ जब सऊदी अरेबिया में गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम जो पिलर ऑफ जमारात हैं जिसको शैतान को कंकरियाँ मारते हैं तो हमें उन पिलर्स का डिज़ाइन चेंज करना है ठीक है जब ये बात बाकी दुनिया के स्कॉलर्स को पता चली और अगर उन्होंने ईमेल करके कॉल करके मामे काबा को मैसेज करके या आपस की डिस्कशन में बोल करके हाँ यार बात तो सही है यार उसका डिजाइन तो चेंज कर देना चाहिए वो पिलर्स बहुत पतले हैं यार उसकी वजह से ना हज में बड़ा मसला होता है लोगों को रुकना पड़ता है निशाने लगाने के लिए तो हज का प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा ये कॉली है अमली क्या है अमली ये है कि किसी स्कॉलर ने फ्लाइट पकड़ी और वो वहां पहुंचे उम्र करने के लिए या हज करने के लिए और उन्होंने जाके उसको देखा ही डिड नॉट से एनी या इससे भी एक्सट्रीम अप्रूवल ये हो सकता है कि मे बी जब उनको पता चला कि भाई ये प्रोसेस हो रहा है वहां पे वो खुद पहुंच गए काम कराने के लिए ईटे बीटे उठा रहे हैं भाई कंधे पे ठीक है सो ये क्या है ये है अमली के उन्होंने एक्शन के थ्रू अग्री कर दिया और आखिर में क्या है आखिर में है सुकूती सुकूती इज साइलेंट अप्रूवल बस नो वन सेड एनीथिंग तो हम उसको भी क्या समझेंगे उसको हम अप्रूवल समझेंगे अब क्वेश्चन में दूसरी बात क्या थी कि भाई हु क्वालिफाइज टू प्रैक्टिस इट कौन इसको प्रैक्टिस कर सकता है अकॉर्डिंग टू सुन्नी मुस्लिम इसमें तीन ओपिनियन है रेजिडेंट्स ऑफ मदीना इजमा कर सकते हैं प्रॉफिट सल असलम के कम्पेनियज इजमा कर सकते हैं और राइटली गाइडेड कैलफमा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू शिया मुस्लिम इसमें दो ओपिनियंस हैं प्रॉफिट सल्ला वसलम के जमाने के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो कर सकते थे ट्वेल्व इमाम जो है वो इजमा कर सकते थे ठीक है लेकिन बैलेंसड ओपिनियन दोनों का मिला के यही बनता है कि, कि किसी भी जमाने के क्वालिफाइड स्कॉलर इजमा परफॉर्म कर सकते हैं ंडीशन की अगर हम बात करें तो ये इसकी कंडीशन है ठीक है एक जियरिस्ट को क्या क्या होना चाहिए भाई उसको मेल uh, होना वैसे ये जरूरी नहीं है ये टाइपो है 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 होना जरूरी ठीक मुस्लिम होना जरूरी है वाइज समझदार पायस एंड पर्सन फिर उसके बाद है कि उसके पास सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ की नॉलेज होनी चाहिए कुरान सुनना की सारी नॉलेज होनी चाहिए उसके पास उसको ट्रू और फॉल्स हदीसों में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए इस्लामिक लॉ का पता होना चाहिए और अरबिक लैंग्वेज आनी चाहिए उसको आखिर में आपने देनी है एग्जाम्पल्स प्रॉफिट की लाइफ से इसमें दो एग्जाम्पल्स हैं बैटल और बैटल ऑफ ऑफ एंड आपको याद होगा पेपर वन गुड ओल्ड डेज और अगर हम कंपेनियंस की लाइफ से बात करें राइटली गाइडेड तो हजरत अबू बकर के जमाने से इसकी एग्जाम्पल है कंपाइलेशन ऑफ कुरान उस पर कंसेंसस हुआ था कि कंपाइल करना चाहिए हज़रत उमर के ज़माने में तरावी की जमात होगी या नहीं होगी इस पे कंसेंसस हुआ था कि होगी और हजरत उस्मान के जमाने में जुमे की जो दूसरी अजान शुरू हुई थी दैट वॉज ऑल्सो यूज ऑफ इजमा

क्यास डज नॉट रिक्वायर कंसेंसस क्यास में कंसेंसस की जरूरत नहीं होती है अगर पचास स्कॉलर बैठकर डिबेट कर रहे हैं और पच्चीस एक तरफ चले गए पच्चीस एक तरफ चले गए स्टिल उसको एक्सेप्ट किया जाएगा ठीक है उसके बाद हम क्या बताएंगे उसके बाद हम बताएंगे कि, आ, जो क्या कहते हैं इंडिविजुअल ओपिनियंस क्यास में एक्सेप्टेबल होते हैं क्यास इज सपोर्टेड बाई दिस कुरानिक वर्स एज समर्स बिलीव दैट रेफरिंग डिस्प्यूटेड मैटर्स टू अल्लाह एंड मैसेजर्स मीन कम्पेयरिंग न्यू प्रॉब्लम विद ओरिजिनल रूलिंग ये वही वाला वर्ष है इजमा वाला इसमें वो ये कह रहे हैं कि ओ यू हैव बिलीव्ड अल्लाह द बिलीवेजर एंड दोज इन इन अथॉरिटी अमंग यू यू तीन की बात मानो बट इफ ओवर एनीथिंग यानी अगर तुम किसी चीज का सोल्यूशन ना ढूंढ सको सो रेफर इट टू अल्लाह एंड हिज मैसेंजर तो कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि रेफरिंग इट टू अल्लाह एंड हिज मैसेंजर इज बेसिकली कि भाई आप क्यास करो और खुद अपनी लॉजिक इस्तेमाल करके अल्लाह और उसके रसूल की टीचिंग्स की रोशनी में नया फैसला करो सपोर्टिंग एविडेंसिस एंड कंडीशन सपोर्टिंग एविडेंस का सबसे बड़ा प्रॉफिट सल्हमत मास बिन जबल की एक कॉन्वर्सेशन है जिसमें प्रॉफिट वसल्लम ने हजरत मास से पूछा था कि तुम जा रहे हो गवर्नर बनकर फैसला कैसे करोगे उन्होंने कहा था कि आई विल यूज कुरान प्रॉफिट ने कहा अगर ना मिले तो, तो उन्होंने कहा हदीस उन्होंने कहा ना मिले तो, तो फिर उन्होंने कहा था आई विल देन यूज माई ओन लॉजिक इस बात पर प्रॉफिट ने उनको थम्सअप दिया कि भाई गुड जॉब वेल डन इसी तरह से कुछ और हदीसें हैं जो क्यास को प्रमोट करती हैं जैसे कि प्रॉफिट के पास एक खातून आई ये आप पूरा वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं ओन वर्डिंग में लिख सकते हैं सिर्फ प्रॉफिट वाले कोड वो याद कर लेना तो एक खातून आके प्रॉफिट से कहती हैं कि माय फादर वाज एलिजिबल फॉर हज बट ही कुड बिकॉज ऑफ सम रीजन एंड ही डाइड तो क्या आप मैं उनकी तरफ से हज कर सकती हूँ अब देखो प्रॉफिट इसका सीधा जवाब दे सकते थे कि यस लेकिन प्रॉफिट सल अल्लाह लोगों को ये सिखाना चाहते थे कि भाई इस्तेमाल करो लॉजिक यूज करो क्या करो ठीक है सोचो चीजों को कंपेयर करो आपस में प्रॉफिट सर हमने पूछा कि टेल मी इफ योर फादर ओड अ डेप हिम क्या लोन अगर आप पे करो तो आपके फादर की तरफ से अदा हो जाता प्रॉफिट नहीं का तो फिर अल्लाह का डेट तो लाजमी पे करना चाहिए यानी करो हज उनकी तरफ से करो अदा हो जाएगा क्या डज नॉट मीन अनकंट्रोल्ड एंड फ्री यूज ऑफ लॉजिक एंड ह्यूमन इंटेलेक्ट बट इट हैज सम समीशन तीन कंडीशन है नंबर वन पहली बात तो अपनी जिंदगी में कर लोगे लेकिन लीगल में अगर कुरान कुछ, कह रहा है और कुछ कह रही है तो फिर आप उसकी बात पहले सुनोगे नंबर टू ऑलरेडीब्लिश मैटर्स चैलेंज नहीं हो सकते कोई इंसान उठ के ये नहीं कह सकता यार सऊदी अरेबिया बहुत दूर है डॉलर बहुत महंगा हो गया तो अब हम मां हज नहीं कर सकते हम गुजरा वाला में करेंगे यू कॉन्ट डू दैट

एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो है इच्टिहाद. इच्टिहाद क्या होता? ये एक और टर्म है लिख देना पेपर में एक्सट्रैक्टिंग लॉज लॉज निकालना लॉज ढूंढना ठीक है आ, असल असल क्या होता है असल वो कुरान और आयत होती है आयत या हदीस होती है जिसको बेस बना के हम फैसला करते हैं फरा वो न्यू प्रॉब्लम होती है जिसका हमारे पास जवाब नहीं होता

डिफेमर की पनिशमेंट अगर हमें कुरान और हदीस बता रहे हैं कि एटी लैशेज है और वाइन ड्रिंकर की नहीं पता हमें तो वाइन ड्रिंकर भी तो

कि जी हजरत आयशा से प्रॉफिट ने एक दफा उनके नाखूनों पर लगी हुई लेयर ऑफ रिमूव करवाई थी कि इसकी वजह से तुम्हारा नहीं हुआ आयशा और अब जो नया इशू है वो नील पॉलिश है और नील पॉलिश का जिक्र कुरान हदीस में तो हो नहीं सकता अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे क्या ये सेम है जी बिल्कुल दोनों पानी को ब्लॉक करते हैं अ लेयर ऑफ ड्राइड फ्लावर एंड नील पॉलिश बोथ डू नॉट लेट वाटर रीच द नेल्स व्हिच मींस दैट नील पॉलिश विल बी रिमूव्ड बिफोर मेकिंग एब्ल्यूशन ठीक है तो ये है हमारा इजमा का इंडिविजुअल टेन मार्कर और ख्यास का इंडिविजुअल टेन मार्कर तो अगर ये इनशाला कल आता है पेपर में या अपकमिंग जब भी आप वीडियो देख रहे हैं आज से पचास साल के बाद और मेरा इंतकाल हो चुका है तो बस आपने दुआ करनी है मेरे लिए एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड फॉर स्टूडेंट्स अपेयरिंग टुमारो एंड फॉर अपकमिंग ईयर दिस इज योर इंस्ट्रक्टर उमर खान साइनिंग ऑफ सी यू नेक्स्ट वीडियो अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ